नमस्कार, मैं हूं विश्वमोहन भट्ट। पंजाब घराने के प्रसिद्ध तबला वादक स्वर्गीय पवन कुमार वर्मा जी को मेरी श्रद्धांजलि। एक उम्दा कलाकार थे, मुझे भी उनके साथ बजाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनको श्रद्धांजलि। नमस्कार। आज भी रोज याद आती है, उतनी ही याद आती है। सबीर, what do you want to say to दादू? To my dear friend Pawan Kumar, please Pawan, look down to us. You're in heaven, we're on earth. We love you and we miss you, and we are thank you to be friends forever. Thank you, thank you, thank you for everything. The great genius music you gave us, all the fun we had together, and all the great spirit we share since then and for the future. Thank you. Dear Pawan, we never will forget you. I'm forever grateful that I had the opportunity to play with you, such a master musician and wonderful human being. And it just influenced me a lot. And it also was a great experience that, like last year, I played with your son, who I'm sure makes you very proud because he continues your great musicianship. So this is for you, Pawan, and we always will think about you, and you live on in your friends and with your wonderful family. संगीत के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम, और एज ह्यूमन बीइंग भी एक बहुत बड़ा नाम रहा है। पवन जी को मैं तकरीबन 1972 से जानती हूँ। एक निहायत शरीफ आदमी, निहायत इंसानियत से भरे आदमी, और बहुत बढ़िया बजाने वाले नामी कलाकार जो हमारे देखते देखते हुए। जब मैं उनसे मिली थी तो वो सेकंड ईयर के एग्ज़ाम देने चंडीगढ़ आए थे, और एक बहुत प्यारा सा छोटा सा युवक देखने में लगते थे। हम भी जब इतने बड़े नहीं थे, पर उनको देखने में एक जैसे अट्रैक्शन होती है, एक बंदे की तरफ आप अट्रैक्ट होते हो। और उस भाई बहन के रिश्ते को उनके लास्ट मिनट तक और आज तक हमने बहुत, मतलब मैंने बड़ी शिद्दत से महसूस किया कि वो कितने अच्छे इंसान। पंजाब घराने के बहुत बड़े कलाकार, बड़ी से बड़ी महफिलों में हमने उनको सुना, बहुत अच्छे अच्छे कलाकारों के साथ संगत करते हुए, उनको प्रोग्रेस करते हुए देख के, उनको आगे बढ़ता हुआ देख के, हमें इतनी ज़्यादा खुशी होती थी कि हमारा भाई बहुत आगे जा रहा है। पर पता नहीं था कि ये समय बहुत थोड़ी देर के लिए था।
जब वो एक बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंचने वाले थे तो परमात्मा ने उन्हें हमसे अलग कर दिया। अब ये बात अभी तक कभी मानने को मेरा मन तैयार नहीं होता है कि वो अब नहीं है, क्योंकि जब भी उनकी बातें याद करते हैं तो ऐसे लगता है हमारे साथ ही हैं। मेरे हस्बैंड से उनका बहुत गहरा नाता रहा, भाइयों की तरह। जब मेरे हस्बैंड नहीं रहे तो जितना वो अपसेट कहना तो बहुत कम बात है कि वो हमेशा यही कहते थे, बहन जी हमारी टिकड़ी टूट गई अब तो मेरे घर में मेरी बहनों के साथ, क्योंकि ये हमारी भी संगीतिक फैमिली है मायके से भी और ससुराल से भी, और ये भी जलंधर से मेरे ससुराल वालों से भी बहुत जुड़े हुए थे, और इनकी वाइफ गंधर्व, हम बचपन से एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते पहचानते थे। तो गंधर्व के साथ भी मेरी संवेदनाएं हमेशा बहुत रही हैं, और उसके दुख को मैंने बहुत समझा है कि उसने कितना सहा है। इनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, उनको देख के बहुत खुशी होती है कि अपने फादर का नाम, अपने पापा का नाम वो रोशन करें। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं और पवन जी के लिए मेरी बहुत आदर आदि। पवन जी भारतीय संगीत जगत के एक चलते सितारे थे। मैं एक अच्छे तबला वादक के साथ साथ एक अच्छी रूह के मालिक भी थे। उनका इस दुनिया से अचानक चले जाना सारे संगीत जगत की कभी न पूरी होने वाली कमी। पवन जी संगीत जगत के एक बहुत ही उच्च कोटि के कलाकार थे, पर आम जीवन में वो बहुत ही सादे व्यक्ति थे। उन्होंने अपना सारा जीवन संगीत की सेवा में ही लगाया। आज उनकी सेवाओं को उनका बेटा अविर्भाव वर्मा बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ा रहा है। हमारा सबका आशीर्वाद उसके साथ। I have known the late Mr. Pawan Kumar Verma is my old friend. When he and his family live in Jakarta, Indonesia, as my next one, south of Jakarta, street name is Ciawi. He was very kind and was loving father for his family and also for us. I was very grateful and proud to live known. I was very grateful and proud to have known maestro tabla artist the late Pawan Kumar Verma. Love you so much. Best regard from our family, Raditya Dika, Yudita, Hingga, Anggi, dan Edgar Romado, and also from my wife, Edgy. Pandit Pawan Kumar Verma ji ke saath meri association as a teacher or as co-artist 20 वर्ष तक रही। मैंने उनको हमेशा संगीत साधना में लीन देखा। कितना उच्च स्थान पाने के बाद भी वो अपनी संगीत साधना में कभी बाधा नहीं आने देते थे। बोलों की स्पष्टता, बोलों में वजन, लय पर असाधारण अधिकार उनकी खासियत थी वादन की, और वो एकदम ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर देते थे अपने वादन के साथ। सोलो के साथ साथ संगत में भी उनका जोड़ नहीं था। उनके जाने से उत्तरी भारत क्या संपूर्ण भारत में तबले के क्षेत्र में बहुत बड़ी क्षति हुई। उसको पूरा करने के लिए उनके सुपुत्र अविरभाव वर्मा आजकल प्रयासरत हैं। मेरे उनको शुभकामनाएं, आगे बढ़े और पंडित जी का नाम रोशन करें। डियर लिसनर्स, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन लेट मिस्टर पवन वर्मा, ही इज फ्रॉम पंजाब घराना, वॉज ए वेरी वेरी फाइन तबला प्लेयर। When I met him, he was not only a wonderful tabla player, but a wonderful human also. We all tabla players and music lovers remember him as a wonderful tabla player. And he will always be in our heart, and we will always miss his tabla, his recital. I wish his family good luck and his son Avirbhav a wonderful future, very bright.
पवन कुमार वर्मा जी पंजाब घराना के एक बहुत ही दिग्गज कलाकार थे। आप देश के जाने माने तबला नवाज जितने भी रहे हैं उनमें से एक थे और मेरी उनसे बहुत क्लोज एसोसिएशन रही। हमारे कई कार्यक्रमों में वो हमारे साथ रहे। उनका निधन हमारे देश के सभी कलाकार समूह के लिए एक ऐसी क्षति थी जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो सकती। मैं उनकी याद में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनका जो पुत्र है जिसे हम अविर्भाव के नाम से जानते हैं, उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा है और उस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है जिसका बीज उसके पिता ने बोया था। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं अविर्भाव के लिए और एक बार फिर मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ अपने बहुत ही प्रिय मित्र और देश के एक जाने माने प्रतिष्ठित कलाकार पवन कुमार वर्मा जी। Hello, this is Radhika from Indonesia. I want to give tribute to Uncle Pawan Kumar today. For me, he's a very humble and very kind man, and he taught me how to play tabla when I was. Very good, Papa. It's your 19th birthday now. I love you so much. We all love you so much. We all miss you so much. And yet, I still have not believed that you know more. And it's going to remain the same because I know, we all know that you're right here with us. Love you so much. परम सत्कार योग साडे गुरु जी जिहड़े आर्टिस्ट हुंदे ओह कदी भी मरदे नहीं, ओह हमेशा जिंदा रहिंदे ने लोगां दे दिलां च, लोगां दे मनां च। साडे गुरुदेव पवन वर्मा जी। मैं शोभा कौशल पवन कुमार जी के लिए क्या बोलूं? अगर ये कहा जाए कि वो हमारे पंजाब की शान रहे हैं, एक तबला वादक के रूप में उन्होंने अपनी जो एक मुकाम बनाया, जो अपना नाम बनाया, जो इतने फेमस हुए हो, ये बहुत बड़ी बात। जैसा उनकी कला थी वैसे ही उनका स्वभाव, वैसी ही उनकी पर्सनैलिटी। एक बहुत धीर गंभीर, बहुत तैयारी के साथ तबला बजाने वाले वादक थे वो, और जिसकी भी हेल्प हो सकती थी या जिसको सिखाया जा सकता था, जिसको प्रोफेशनली बनाया जा सकता था, उन्हें सबके लिए किया। पंजाब के कई ऐसे युवा कलाकार हैं जो उनके शिष्य हैं, जिनको उन्होंने अपने पैरों पे खड़ा किया। वो जितना खूबसूरत गाने के साथ संगत करते थे, उतना ही खूबसूरत वो डांस और सितार के साथ, वादन के साथ भी संगत करते थे। एक बार मुझे मौका मिला, कोई एक सेमिनार था, कोई रिफ्रेशर कोर्स था, उसमें उन्होंने मेरे साथ बजाया, और हम कभी नहीं बजाया था उससे पहले मेरे साथ। 2 घंटे की हमने परफॉर्मेंस दी और मैं पढ़ंत करती जा रही थी। वो इतनी खूबसूरती से उस तोड़ों को, उन टुकड़ों को, तिहाइयों को पकड़ रहे थे, बहुत एक हैरानी की बात थी और मुझे भी बहुत आनंद आया। हमने ये भी तय किया कि हम रियाज करेंगे आगे प्रोग्रामों में, वो भी बजाएंगे मेरे साथ। उन्होंने कहा कि मैं डांस के साथ बजाना चाहता हूँ, तो मेरे मन में भी आया कि चलो मैं उनसे बजवाती हूँ। पर भगवान ने शायद, कुदरत ने शायद साथ नहीं इतना दिया कि उस के बाद कोई 6-7 महीने के बाद उनकी एक्सीडेंट से मृत्यु हो गई और बहुत बड़ी हानि, बहुत बड़ा नुकसान हो गया पंजाब का। मुझे याद है जब प्राचीन कला केंद्र हम प्रोग्राम अरेंज करते थे तो किसी चौरसिया जी को बुलाएं या अमजद अली खान साहब को बुलाएं या शिव कुमार जी को बुलाएं, तो उनसे कहते थे आपके साथ तबला वादक कौन? वो है ना वहाँ पर पवन कुमार, उन्हीं को कर लेना। तो बहुत बड़ी बात है कि बाहर से जो रिनाउंड आर्टिस्ट आए और वो ये कहें कि आपके चंडीगढ़ में एक हैं तबला वादक, वो हमारे साथ बजा लेंगे, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती एक कलाकार के जीवन में। मतलब सक्सेसफुल होने के लिए इतनी बड़ी बात, बहुत बड़ी बात थी। और मैं तो, उनके जाने का हमें बहुत नुकसान हुआ। एक अच्छे इंसान, एक अच्छे तबला वादक, एक अच्छे आर्टिस्ट, बहुत बड़ी बात थी जो हमें चंडीगढ़ वालों को इस बात का बहुत नुकसान हुआ। ये कभी कभी पूरी नहीं हो सकती। हाँ, उनके पुत्र हैं अविरभाव,
बहुत मेहनत कर रहे हैं, अपने पिताजी के चरण कमलों पे चल रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। उनकी पत्नी गंधर्व बहुत उसको, अपने बेटे को भी मेहनत कर रही है, खुद बहुत अच्छी गायिका हैं वो, पर अपने बच्चे को बहुत मेहनत करवा रही हैं। तो शायद कभी ये लगे, जैसा कि अभी थोड़ा थोड़ा लग रहा है, लेकिन पवन कुमार जी तक नहीं पहुंचने में शायद कुछ वर्ष लगेंगे, अपने पिताजी की गद्दी को आदरपूर्वक संभालेगा। मैं तो यही शुभकामना। Thank you.